हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर आप लोगों के सामने मैं नई रेसिपी लेके आई हूँ, कंडेंस मिल्क की रेसिपी। तो चलिए कंडेंस मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर रखेंगे। पैन के अंदर हम 2 कप दूध ऐड करेंगे। अप्रॉक्स हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। देखिए मैंने एक कप के अप्रॉक्स चीनी वो ऐड की है इसके अंदर। चीनी ऐड करने के बाद कंटिन्यू इसको चलाते रहना इस तरह से। गैस को फुल फ्लेम पर रखना है। और इस दूध को हमको तब तक पकाना है जब तक ये दूध, जैसे हम इसमें 2 कप डाला है तो ये 1 कप के आसपास रहना चाहिए। जैसे जैसे दूध ये गाढ़ा होता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा। कंडेंस मिल्क को हम फुल फ्लेम गैस पर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसको कंटिन्यू स्टार्च करते रहना होगा, जिससे कि इसकी पैन की तली पर ये लगे नहीं। यहाँ पे दूध की क्वांटिटी है वो 1 कप के आसपास रह गई है। अब मैं यहाँ इस समय गैस को बंद कर दूँगी और इसके अंदर 1/8 के अप्रॉक्स मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और इसको डालते ही कंटिन्यू चलाना है इसको। गैस का फ्लेम बंद कर देना है इस टाइम पे इसको मिलाते समय। इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये बबल्स स्वयं, जब ये प्रॉपर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो वो धीरे नीचे बैठ जाएंगे सारे बबल्स। ठंडा हो जाने के बाद मैंने कंडेंस मिल्क को इस बाउल में ट्रांसफ़र किया है। देखिए इस कंडेंस मिल्क का कलर कितना अच्छा आया है। इस कंडेंस मिल्क को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू बताएं कि आपका कंडेंस मिल्क कैसा बना है। अगर आपको ये मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और